साथियों, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आइए अपने शहर सिवान को विकास की ओर ले चले। नगर परिषद सिवान उप सभापति प्रत्याशी डॉक्टर यादवंदर जी, शांति डेंटल क्लिनिक बीडीएस एमडीएस, पुत्र अर्जुन यादव, पूर्व वार्ड पार्षद रामदेव नगर महादेवा सिवान बिहार। देखिए, चुनाव का नतीजा घोषित हो चुका है और नतीजे घोषित होने के बाद से चारों तरफ जश्न का माहौल है, उत्साह का माहौल है। और इस बार का चुनाव जो है काफ़ी कठिन चुनाव माना जा रहा था, क्योंकि इस बार के इलेक्शन में जो लोग थे काफ़ी जागरूक थे। पहले मत्स्यजीवी का जो चुनाव होता था उसमें लोगों की जानकारी बहुत कम होती थी, लेकिन जिस तरह से जागरूकता बढ़ी है, लोग इसके महत्व को समझने लगे हैं, उसके बाद से इसमें लोगों की काफ़ी दिलचस्पी हुई है। तो आज हम विजय शाह जो चुनाव जीत चुके हैं उनके दरवाजे पर हैं, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं और मीडिया के माध्यम से हम इनका एक इंटरव्यू कवर कर रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं। जीत के बाद जो है चेहरे पर काफ़ी मुस्कान है, खुशी का माहौल है और रंग अबीर गुलाल तो कल ही से उड़ाया जा रहा है। और इनको चाहने वाले जो समर्थक हैं इनको शुभकामना देने के लिए इनके दरवाजे पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, आइए परिचय कराते हैं। अपना नाम बताइए। चंदन कुमार जी। कितना विश्वास था कि विजय जी फिर से चुनाव जीतेंगे? 100 में 100 गारंटी था कि जीतेंगे। आप लोगों को पहले से विश्वास था? हाँ। जी। अपना नाम बताइए। रोहित कुमार जी। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। इस जीत को किस नज़रिए से देख रहे हैं? सर, हम लोग जीत से बहुत खुशी हैं सर। यह वर्षों से जीतते आ रहे हैं, बहुत विश्वास था हम लोगों को यही जीतेंगे। जी जी। बहुत मेहनत भी किए हैं लोग। हाँ। सबसे संपर्क करना रोज हम लोग जाते थे लोग। हाँ। सबसे मिलजुल के संपर्क करते थे। जी। तो हम लोग को बहुत यकीन था, 100% चांस था कि यही जीतेंगे। बिल्कुल। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना परिचय सर दीजिए। हमारा नाम सत्यदेव कुमार जी। सत्यदेव कुमार जी जी। आप यहीं का स्थानीय निवासी हैं? जी हाँ, बगल में है हमारा घर। जी जी। तो आप यहाँ रहते हैं या बाहर रहते हैं? हम छपरा ड्यूटी करते हैं। अच्छा, किस विभाग में हैं? हम फॉरेस्ट में हैं। अच्छा, वन विभाग में हैं। चलिए, आपके पड़ोसी हैं और इस बार के चुनाव में जो इनको सफलता प्राप्त हुई है, और क्या कहेंगे इस सफलता के पीछे इनका जो मेहनत है या इनका जो काम करने का अंदाज है, किस तरह से चुनाव जीते हैं? ये तो बहुत मेहनती आदमी हैं। हाँ। आप बहुत संघर्ष करते हैं जी। मैं इनके पास प्रेम भाईचारा बहुत है। हाँ। सभी को मदद करते हैं, ये नहीं कि नहीं। हाँ। छोटे बड़े सभी का मदद करते हैं। जी जी जी। सभी का मेहनत का कर्तव्य है कि असफल हुए हैं। यानी कि जो इनका व्यवहार है, जो काम करने का अंदाज है, इसी वजह से फिर से इनको मौका मिला जी, है। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका ना मेहनत ही तरंग लाया है। चलिए, थैंक यू। सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड मुख्यालय में सबकी निगाहें थी और आज हमारी मीडिया की टीम विजय शाह के दरवाजे पर है, जो चुनाव जीत चुके हैं और इनके दरवाजे पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। दूर दराज से इनके जो सगे संबंधी हैं, शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, सभी इनको शुभकामना दे रहे हैं, क्योंकि इस बार का मत्स्यजीवी का चुनाव बहुत कठिन चुनाव था और जिस तरह से विजय शाह ने जीत हासिल किया है और जिस तरह से इनको आशीर्वाद और सहयोग मिला है, इससे पता चलता है कि लोगों के बीच में इनकी कितनी अच्छी पकड़ है, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है बहुत कठिन चुनाव था। और हमारे साथ विजय शाह हैं, हम उनके दरवाजे पर हैं। कितना भरोसा था कि आप चुनाव जीत जाइएगा विजय जी? 100% सर विश्वास था। हाँ। और मैं अपने मतदाताओं पर और मछुआरा भाइयों पर विशेष करके ध्यान देता हूँ, और जो भी अति विभाग के माध्यम से या सरकार के माध्यम से जी जो भी कुछ मिलता है उन लोगों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, और उन्हीं लोगों के सहयोग से हमको इतना मत प्राप्त हुआ है। बिल्कुल। और जी, जैसे आपने कहा कि हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, आपके दादाजी भी बहुत पहले इस मतलब जो है क्षेत्र में चुनाव जीते थे जी। और एक तरह से कहा जाए कि एक विरासत के तौर पर ही आपको मिला है, क्योंकि उनका जो काम रहा और अभी आपका जो मतलब काम करने का अंदाज है। तो उम्मीदवार आपके खिलाफ कितने थे? हमारे खिलाफ एक उम्मीदवार था जी। जी। तो पहली बार चुनाव लड़े थे कि इसके पहले भी लड़े थे? इसके पहले भी एक बार लड़े थे आप ही के खिलाफ जी। तो देखिए, रघुनाथपुर प्रखंड का नतीजा घोषित हो चुका है और विजय शाह को एक बार फिर से मौका मिला है। तो आपके यहाँ जो मत्स्यजीवी हैं या जो भी मछुआरा भाई हैं जो इस संगठन से या इस व्यवस्था से जुड़े हैं,
सरकार की तरफ से बहुत सारा योजना भी चल रहा है, अब एक बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर दिया गया है, तो जो भी सरकार का मत्स्य से संबंधित, मछली पालन से संबंधित या इससे संबंधित जो योजना है, क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए मैं अपने मछुआरों भाइयों का जो भी अभी भी सरकार की तरफ से जो भी स्कीम आता है, जैसे गाड़ी उड़ी, टेम्पू, लगभग 50 मछुआरों भाइयों का दिलवाए हैं। अच्छा, दिलवा कर और उन्हीं के बदौलत है कि जो सरकार की तरफ से योजना आई है उनको दिया गया है। इसी पर मछुआरों भाइयों ने हम पर विश्वास किया और हमको मौका दिया। बिल्कुल, जो आपने काम किया है उसका मजदूरी मिला जी, और इससे भी बढ़िया काम आप करेंगे जी। क्योंकि देखिए, चुनाव जीतना बहुत कठिन होता है और इंसान जो है सब कुछ को सब कुछ दे सकता है, लेकिन वोट की जहां बात आती है तो लोग वोट को लेकर बहुत सोचते हैं, और कहीं ना कहीं ये वोट जो मिला है इनके ईमानदारी, मेहनत और कर्म का नतीजा है। जो इन्होंने काम किया है उसी के आधार पर वोट इनको मिला और उसका जो है लाभ मिला, और इनका कहना है कि अब मुझे और जो है अच्छा ढंग से काम करना है ताकि इस व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज हम रघुनाथपुर प्रखंड पहुंचे हुए हैं और यहाँ चुनावी नतीजे घोषित हो चुके हैं। देर शाम तक जो चुनाव का परिणाम आया उसके बाद कहीं खुशी का माहौल है, कहीं गम का माहौल है, लेकिन चुनाव में हार जीत तो होता ही है। दूसरी बात, ये सेवा का मौका मिला है, अपना नाम बताइए। उमेश कुमार राय मेरा नाम है सर। उमेश कुमार राय जी, कितना विश्वास था कि दूसरी बार आप चुनाव जीत जाएंगे? हमको तो पूरा विश्वास था सर, हम लोग जनता का बहुत ना हम लोग ये हैं। बिल्कुल, बहुत सेवा भी जनता हमारे किया है, सब आते हैं जाते हैं, सब से मिलते हैं जुलते हैं जी। और उनके दरवाजे तक जाते हैं, जो भी हम लोग का आपस का बात विचार होता है हमेशा होता है, फोन पे भी होता है जी। यानी लगातार आप लोगों से जुड़े रहते हैं, मिलते रहते हैं और इसी का मजदूरी जनता ने दिया है। सब जनता भाई हमारे मिलजुल के हमको सपोर्ट किए हैं, बढ़िया से जिताए हैं, और हमें उम्मीद है कि अगला बार भी इसी तरह हम लोग जीतेंगे। किस पद पर चुनाव जीते हैं? हम अध्यक्ष पद पे जीते हैं, मत्स्यजीवी जी। मत्स्यजीवी जो है, जो संघ है जी, उसमें अध्यक्ष का पद बहुत मायने रखता है जी जी, और इस पद पर चुनाव जीतना बहुत कठिन होता है जी। तो आपको इस बार जो है सेवा का मौका मिल गया जी, और इसके पहले भी मिला था जी, पहले भी मिला था। तो देखिए, जिस तरह से मतलब चारों तरफ खुशी का माहौल है और यहाँ सभी लोग एक दूसरे का शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मीडिया के टीम जब इसको खबर मिली कि चुनाव ये जीत गए हैं उमेश राय, तो हम लोग इनसे मिलने के लिए इनके घर पर आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना नाम बताइए। बलेश्वर राय जी। आपके बेटे हैं? हमारा लड़का है जी जी। कितना विश्वास था कि इस बार हमको पूरा विश्वास था कि फिर निकलेंगे हम भाई का। पूरा विश्वास था, पूरा मेहनत भी किए जी जी, दौड़ धूप किए, गवा गए, गाड़ी लेके गए, ले आए। बिल्कुल, लगातार मतलब इसके लिए मेहनत हो रहा था जी, लगातार मेहनत। क्षेत्र में आप लोग घूम रहे थे? घूम रहे थे। माहौल जो है घूमने पर कैसा लगता था? बहुत बढ़िया हमको माहौल लगता था। विश्वास था कि एकदम विश्वास था मौका मिलेगा। चलिए, रघुनाथपुर क्षेत्र है, पंचायत रघुनाथपुर है। मत्स्यजीवी का इस बार अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और इसमें बहुत सारा योजना सरकार का चल रहा है। अब यहाँ की जनता उम्मीद करेगी कि ये लोग और बेहतर ढंग से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्टली संदेश क्या देंगे पंचायत जनता को? और अपनी यही करना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे जनता हमको सपोर्ट किया है, हम भी उनका सपोर्ट करेंगे जी, जो भी हमसे होगा वो करेंगे। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं सिवान जिले के नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के क्लिनिक में, और ये महक हॉस्पिटल है जहां बच्चों के तमाम बीमारियों की सुविधा के लिए तमाम सुविधा उपलब्ध